हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए जहां हम अपने गुजरे हुए वक्त की आरजू की बात करें जो पूरा नहीं हो सकी। यानी फ्रेंड्स, हमें अपने लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम अपने गुजरे हुए वक्त की ख्वाहिश को बताते हैं या अपनी आरजू या तमन्ना को बताते हैं जो पूरी नहीं हो सकी। जैसे अगर मुझे कहना हो, उससे शादी करना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मेरी उससे शादी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि मैंने पास्ट की बात किया और मैंने कहा कि उस गुजरे हुए वक्त में मेरे पास एक ख्वाहिश थी या मेरे पास एक आरजू थी जो पूरी नहीं हो सकी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जो पास्ट की एक ख्वाहिश होगी जो पूरी नहीं हो सकी। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, उससे शादी करना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हुई, तो आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड मैरिड हर। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई विश्ड उसके बाद आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए मैंने कहा आई विश्ड आई हैड मैरिड हर। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि उससे शादी करना मेरी आरजू थी लेकिन मैं उसे शादी नहीं कर सका या मेरी शादी उससे नहीं हो सकी। तो फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर याद रखें, आई विश्ड आई हैड, उसके बाद जो भी एक्शन वर्ड आएगा आप थर्ड फॉर्म में बोलेंगे। जैसे एक मर्सिडीज खरीदना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं एक मर्सिडीज नहीं खरीद सका, तो मैं कहूंगा आई विश्ड आई हैड बॉट अ मर्सिडीज। फ्रेंड्स, इस छोटे से सेंटेंस का मीनिंग है कि गुजरे हुए वक्त में मुझे मर्सिडीज खरीदने की ख्वाहिश थी, आरजू थी, लेकिन वो काम नहीं हुई, यानी वो मैं नहीं खरीद सका। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, उसे प्रपोज करना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया या नहीं कर सका, तो आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड प्रपोज्ड हर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, एक महान टीचर बनना मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आरजू थी या मेरी तमन्ना थी लेकिन मैं एक महान टीचर नहीं बन पाया या नहीं बन सका, तो आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड बीन अ ग्रेट टीचर। आई विश्ड आई हैड बीन अ ग्रेट टीचर मीन्स एक महान टीचर बनना मेरी आरजू थी लेकिन ये काम नहीं हुआ, यानी मैं एक महान टीचर नहीं बन पाया। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, एक सिंगर बनना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं एक सिंगर नहीं बन पाया या मैं एक सिंगर नहीं हो सका, तो आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड बीन अ सिंगर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो, एक हीरो बनना मेरी ख्वाहिश थी लेकिन मैं एक हीरो नहीं बन पाया, तो आप कहेंगे आई विश्ड आई हैड बीन अ हीरो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आपको अपने गुजरे हुए वक्त की कोई ऐसी ख्वाहिश बतानी हो जो पूरा नहीं हो सकी या जो अधूरी रह गई, आप बड़े आसानी से बोल पाएंगे I wished I had के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, यानी आप उस एक्शन वर्ड को बोलेंगे जो पूरा नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर ये लेसन आपको वाकई शानदार तरीके से समझ में आया तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी वो ख्वाहिश, वो आरजू, वो तमन्ना कमेंट बॉक्स में लिखें जो पूरी नहीं हुई, जो अधूरी रह गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी उस अधूरी ख्वाहिश को जरूर लिखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक मजेदार लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।